जौनपुर में अब फायरिंग करना आम बात हो गई है। 24 घंटे में दो थाना क्षेत्रों में गोली मारकर हत्या की खबर से आम जनमानस में दहशत व्याप्त है। कुटहन में दादा को पोते ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना बीते हुए ठीक से 24 घंटा भी नहीं हुआ था कि बदमाशों ने सराय ख्वाजा में एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक कुछ महीने पहले ही मुंबई से घर आया था। इसके अलावा सोमवार को भी रास्ते के विवाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मार दी गई। यह घटना भी सरायख्वाजा थाना क्षेत्र की है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जंगीपुर कला गांव में युवक सड़क पर मोबाइल से बात करते हुए टहल रहा था। इसी दौरान बाइक सवार युवक पहुंचे और उसे लक्ष्य कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे वह पूरी तरह से लहूलुहान होकर गिर गया और छटपटाने लगा। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मैं 6:30 करीब रहा हूँ। आपको जानकारी कब हुई घटना के बारे में? घटना की जानकारी के बाद जो है 10 मिनट पहले बाद में मालूम पा रहा। हेलो, जब गिर गया था वो। इसी के ऊपर शक है आपका? गोली किसने मारी आप लोगों को पता नहीं चला? गोली मारा किसने? अच्छा, ये बच्चा करता क्या था? पढ़ता था बॉम्बे में। यहाँ कब से आए हुए हैं? जो साल भर से। आपका शुभ नाम? मिठाई लाल। मिठाई लाल निवासी जंगीपुर थाना सरायख्वाजा के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है कि आज शाम को उनके भतीजे के पैर में एक गोली मारी गई है। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने दो लोगों को नामजद किया है कि इनके द्वारा घटना की है और कराई गई है, तो उसमें से एक व्यक्ति को पुलिस सर्वेक्षा में लेकर के पूछताछ की जा रही है और पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। वहीं सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के लालमनपुर गाँव में रास्ते के विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर हल्दी रखा हुआ था। ये राणा शंकर प्रधान जो गए वो हल्दी हटा के फेंकने लगे। हमारा ये भतीजा था, वह हटाने नहीं दिया। उसको घेरा के लाते जूता बहुत मारे और उसको मार उसकी औरत ही जाएगी मारी और हमारी भौजाई के वो लोग घींच के अपने हाथी में ले चले गए। उसको लाते मुका गोजी से मारे। उसके बाद अद्धा बाजी चढ़ कर दिए। उसके बाद हम लोग खेत से दौड़ते दौड़ते जाते जाते वो लोग गोली चलाने लगे और गोली चलाते चलाते एक अन्य आदमी को लग गया और कपार भी फूट गया। कितना लोग का इतना मनमानी, उनके पास दो हथियार है और दोनों से चला रहे थे, एक बड़ी है एक छोटी है। कौन है ये? जी राणा शंकर प्रधान यादव हैं। इस समय मौजूद ही हालत प्रधान ने मारा है कि उनका बेटा? उनका बेटा मारा है। लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके राणा शंकर के नाम है, बाकी उनका लड़का मारा है। क्या विवाद चल रहा है आप लोग? रास्ते के लिए वो अपने में नहीं जाने देंगे, दूसरे में रास्ता लेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवनाथ यादव। जिसको गोली लगा क्या लगता है आपको? हमारा भतीजा लग गया। सरायख्वाजा थाना अंतर्गत ग्राम लालमनपुर में रमा शंकर प्रधान है और इनके पड़ोसी हैं प्रवेश यादव। तो रास्ते का इनका विवाद है, बहुत छोटा मोटा सा विवाद है, जिसको लेकर के पहले दोनों बच्चों में मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, एक पत्थर चले। उसके बाद प्रधान के बेटे के द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति को चोट लगी है, बबलू राजकुमार, जिसको तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ पर चिकित्सा करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वो खतरे से बाहर है। चोट बहुत सामान्य है। इसमें दोनों बच्चों के 5 व्यक्तियों को पुलिस अपेक्षा में ले लिया गया है। लाइसेंसी रिवाल्वर और बंदूक भी पुलिस कब्जे में ले ली गई है। अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।